हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? 6 अक्टूबर 2023, एक बार फिर मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रयोग से मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न हुई है? तो ये है नासा, सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, नासा के मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट या MOXIE ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न किया है। MOXIE को दृढ़ता रोवर पर ले जाया गया था जो फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर उतरा था। MOXIE मंगल ग्रह के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं को ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में विभाजित करके काम करता है। MOXIE को प्रति घंटे 10 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इसने उस लक्ष्य को पार कर लिया है। वो अपने सबसे कुशल तरीके से प्रति घंटे 12 ग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है। कौन सा देश बांग्लादेश का प्रमुख निर्यात भागीदार बन गया है? तो यह इंडिया, जापान और चीन को पछाड़ कर भारत बांग्लादेश का प्रमुख निर्यात भागीदार बन गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी भारत के हाथी गलियारे रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने हाथी गलियारे हैं? तो यह 150। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी भारत के हाथी गलियारे रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 150 हाथी गलियारे हैं। कौन सा सैन्य संगठन 2024 में शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार है? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। नाटो 2024 में शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार है। इस अभ्यास को स्टीड फास्ट डिफेंडर कहा जाता है और इसमें 32 नाटो सदस्य देशों के साथ साथ स्वीडन के 40,000 से अधिक सैनिक शामिल होंगे, जो वर्तमान में नाटो सदस्यता की मांग कर रहा है। भारत में इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर और राजनेता सर मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने सुरक्षा चिंताओं के कारण किस देश से ओलंपिक क्वालीफायर की मेजबानी अधिकार वापस ले लिए हैं? तो ये है पाकिस्तान। FIH ने सुरक्षा चिंताओं के कारण पाकिस्तान से ओलंपिक क्वालीफायर की मेजबानी का अधिकार वापस ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स की अपनी यात्रा के दौरान चंद्रयान 3 के चंद्रमा लैंडर की लैंडिंग साइट का नाम क्या बताया? तो यह है शिव शक्ति पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इसरो परिसर की अपनी यात्रा के दौरान घोषणा की कि चंद्रयान 3 के चंद्रमा लैंडर की लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा, जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के संलयन का प्रतीक है। भारत में डेटा संचालित कृषि नवाचार के लिए किस संगठन ने नाबार्ड के साथ साझेदारी की है? तो यह है UNDP इंडिया। UNDP इंडिया और नाबार्ड ने छोटे किसानों को समर्थन देने के लिए डेटा संचालित कृषि नवाचारों पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत का कौन सा राज्य इस समय निपाह वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है? तो यह है केरला। दक्षिण भारतीय राज्य केरल इस समय निपाह वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है। यह वायरस दुर्लभ और घातक है और इसका कोई विशिष्ट उपचार या टीका नहीं है। राज्य सरकार ने प्रकोप को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की है, लेकिन स्थिति अभी अस्थिर बनी हुई है। हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के लिए गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है मीता वशिष्ठ। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को सितंबर 2023 में हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के लिए गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस भारतीय राज्य में विधानसभा के राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा डिजिटल हाउस परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो यह है गुजरात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात, विशेष रूप से गांधीनगर में विधानसभा की नेवा डिजिटल हाउस परियोजना का उद्घाटन किया। iPhone 15 सीरीज में किस प्रकार की GPS तकनीक मौजूद है? तो यह है इसरो सर्टिफाइड GPS टेक्नोलॉजी। iPhone 15 सीरीज में इसरो प्रमाणित GPS तकनीक है। इसका मतलब है कि यह भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक को सपोर्ट करता है। नाविक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। इसमें भूस्थैतिकी और झुकी हुई भूतुल्यकालिक कक्षाओं में 7 उपग्रह शामिल हैं, जो भारत और इसकी सीमाओं से परे 1500 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र पर कवरेज प्रदान करते हैं। कौन सा भारतीय स्पिनर सबसे कम मैचों में 150 एक दिवसीय विकेट के मील के पत्थर के पद तक पहुंचा है? तो ये है कुलदीप यादव। कुलदीप यादव केवल 88 मैचों में 150 एक दिवसीय के विकेट के मील के पत्थर तक पहुंच गए हैं, जो किसी भारतीय स्पिनर द्वारा सबसे तेज है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह हैमिस नेशनल पार्क। हैमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो जम्मू और कश्मीर के लद्दाख में स्थित है, जो 4400 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र को कवर करता है। किसने पहुंच और सामर्थ्य पर जोर देते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए भारत के आयुष्मान भव अभियान को वस्तुतः लॉन्च किया? तो यह द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए भारत के आयुष्मान भव अभियान को वस्तुतः लॉन्च किया। इसमें विशेष रूप से वंचित समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और सामर्थ्य में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पंजाब में 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों VPD के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करने के उद्देश्य से एक स्वास्थ्य सेवा पहल मिशन सघन इंद्रधनुष 5.0 का उद्घाटन किसने किया? तो यह बलबीर सिंह। पंजाब के राज्य स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने मिशन सघन इंद्रधनुष 5.0 का उद्घाटन किया, जो पंजाब में 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करने पर केंद्रित है।
वह ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें 1996 में डॉली भेड़ का क्लोन बनाने वाली टीम का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता था और 10 सितंबर 2023 को उनका निधन हो गया। तो इनका नाम है इयान विल्मट। 1996 में डॉली भेड़ का सफलतापूर्वक क्लोन बनाने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश वैज्ञानिक सर इयान विल्मट का 10 सितंबर 2023 को निधन हो गया। डॉली पर उनका काम क्लोनिंग और स्टेम सेल बायोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। क्लाउड प्रौद्योगिकों के साथ एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस संगठन ने अमेजन के AWS के साथ साझेदारी की? तो यह इसरो। अमेजन के AWS ने क्लाउड प्रौद्योगिकों के साथ एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से अंतरिक्ष तकनीकी नवाचारों का समर्थन करना है जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में रोमांचक संभावनाएं खुलती है। मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान द्वारा किस शहर में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई? तो ये है फिरोजपुर। सारागढ़ी की लड़ाई में भाग लेने वाले सिख योद्धाओं के बलिदान को याद करने के लिए पंजाब के फिरोजपुर में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है। किस कंपनी ने निर्माण श्रेणी के तहत सुरक्षा नवाचार पुरस्कार 2023 जीता? तो यह है राइट्स लिमिटेड। राइट्स लिमिटेड एक अग्रणी परिवहन अवर संरचना परामर्श और इंजीनियरिंग कंपनी है। उन्हें अपने परिचालन में नवीन सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के लिए सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। कैसा लगा आपको 6 तारीख का सेशन? कॉमेंट सेशन बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद।